नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग दैनिक राशि पर। सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। 5 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि दोपहर 12:23 तक, इसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। नक्षत्र है हस्त। शुभ नामक योग बन रहा है अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से शाम 3 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करे, विघ्न आ सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। वृषभ राशि, आज का दिन बढ़िया है। आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई मनोकामना आज पूरी हो सकता है। वैसे तो आज के दिन थोड़ी दौड़ भाग है, आपके पास एक के बाद एक कई ऐसे काम आएंगे जिसके चक्कर में थोड़ी भाग दौड़ होगी। नौकरी पैसा है तो बढ़िया दिन है। आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, वही आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। रिश्तों की समस्या भी आज हल होती आपकी नज़र आएगी। यात्रा पर जाने के लिए बढ़िया है, आज के दिन की गई यात्रा खुशियाँ देगी। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मन जीतेंगे लोग। दाम्पत्य जीवन में हल्के फुल्के तनाव है, लेकिन जीवन साथी किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। अब देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके साथ रिश्तों को बनाए रखें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेहनत का फल मिलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अहंकारी मत बनिएगा, थोड़ा झुकिए। किसी भी तरह का लापरवाही मत कीजिएगा। और आज थोड़ा सा तनाव है, लेकिन दैनिक व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। आज भूलकर भी किसी को उधार मत दीजिएगा, वरना डूबना पक्का है। वैसे आर्थिक रूप से ठीक है, लंबे समय से रुका हुआ धन आएगा। किसी विशेष कार्य के लिए लंबी दूरी की यात्रा के योग है। अच्छे लोगों की संगति पर ध्यान दीजिए। सामाजिक जीवन में मान सम्मान भी आज बढ़ता दिखेगा। ससुराल वालों के साथ बेहतर वक्त बीतेगा। किसी से झगड़ा मत कीजिए, अपनी योजनाओं के अनुसार ही काम कीजिए। और आज जोखिम भरे कार्य को करने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भाग्य का साथ मिल रहा है, और जिस काम के लिए बहुत समय से आप प्रयासरत थे पूरा करने के लिए, वो कार्य बढ़ेगा तो विश्वास भी आपका बढ़ेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। धार्मिक कार्यक्रम में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से देर दोपहर के बाद से रिश्तों में तालमेल बढ़िया रहेगा। धन प्राप्ति के नए स्रोत बनेंगे। घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है, और इस समय खासकर खाने पीने की वस्तु का दान कर पाएँ तो उत्तम है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा। अविवाहित हैं आप अगर, तो विवाह की बातें चल सकती है, पर आपकी रुचि का कोई भी काम करने का भी वक्त मिलेगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पर ध्यान दें, नहीं तो टीचर का डांट भी लगेगा, इसलिए पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। जो लोग प्रेम जीवन में हैं, रोमांटिक मूड में रहेंगे। साथी के साथ किसी ऐसी जगह पर मिलने भी जा सकते हैं जहाँ पर कोई आपको व्यवधान न डालें, एक दूसरे से मन की बातें साझा कर सकें। तो यानी कि यहाँ पर लव लाइफ आपके ठीक है। किसी काम को करने से पहले सोच विचार जरूर कीजिएगा, और धन का लेन देन भूलकर भी मत कीजिएगा। आज के दिन ससुराल पक्ष से सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन तरक्की के रास्ते में जो बाधाएं थी वो भी दूर होगी। मित्रों से जब आप बात करते हैं, मीठा वचन बोलिए, उनको हो सकता है कोई बात बुरा लग जाए। और जोखिम भरा कार्य तो भूलकर भी ना करें, आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा आज पीला, भाग्य साथ निभाएगा करीब 75%, और भाग्यांक रहेगा 3। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पे फोकस है, और प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। समय अनुकूल चल रहा है, अपने लिए वक्त निकालें, ध्यान दें।